हाय गाइस, वेलकम टू ऑस गैराज। सो दिस इज द ऑल न्यू टाटा सफारी एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस कार के लुक्स के बारे में बात करेंगे। सो एज यू गाइस कैन सी, दिस इज द फ्रंट ऑफ द कार, लुक्स रियली गुड एंड पुराने वाले सफारी से ना काफी ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। बट एट द सेम टाइम जो पुराने वाले सफारी जैसा दिखता था उस लुक को अभी भी मेंटेन किया गया है विद अ लॉट ऑफ चेंजेस। सो यहाँ पे आपको एक तो DRL मिल जाता है, कनेक्टिंग DRL है विद वेलकम एंड गुड बाय फीचर। ग्रिल इज नॉट डिफरेंट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क क्रोम कलर का फिनिश मिलेगा, टाटा का लोगो है, फ्रंट कैमरा है। ये लाइट का जो सेटअप है ये आपको हैरियर से डिफरेंट मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको सफारी भी मिलता है, प्रोजेक्टर सेटअप में लाइट्स एंड फॉग लाइट्स है, साइड कर्टन्स आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑलराइट, सो दैट इज रियली गुड। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, एडास का आपको यहाँ पे देके रखा है, ये भी आपको सिल्वर कलर में देके रखा है। सो इन माई ओपिनियन द न्यू सफारी लुक्स रियली गुड। बॉनेट भी यहाँ पे आपको सेम पहले जैसा ही मिल रहा है। द गुड थिंग इज यू गेट न्यू अलॉय व्हील्स इन दिस कार, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। इसका अलॉय व्हील्स है ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, डायमंड कट फिनिश में है। टायर का जो साइज है दैट इज 19 इंच आपको यहाँ पर टायर मिल रहा है। पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ दिन बाद आएगा जब ये पर्टिकुलर कार शोरूम में आपको देखेगा। यहाँ पे सफारी का बैजिंग है, काफी नीट दिखता है। ORVM जो है आपको यहाँ पे साइड में कैमरा भी मिलता है विद टर्न इंडिकेटर। ड्राइवर साइड में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्रोम दिख रहा है। ऊपर का रूफ रेल अ बिट ऑफ क्रोम टच, यहाँ पे भी आपको सेम दिखता है। पीछे का अलॉय व्हील्स ऑब्वियसली सेम है। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। टेल लाइट इज डिफरेंट, इस पर्टिकुलर कार में चार्ज नहीं है तो मैं आपको इसका लाइट जला कर नहीं दिखा सकता, बट पीछे भी आपको कुछ इस तरीके का आपको टेल लाइट मिलता है, काफी अच्छा दिखता है। एंड एक चीज जो मैंने नोटिस किया, टेल लाइट पूरे बॉडी से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ऑलराइट, वाइपर ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, शार्क फिन एंटेना, टाटा का लोगो, कैमरा ओवर हियर, सफारी यहाँ पे काफी नीट तरीके से लिखा हुआ है। पीछे इतने बड़े कार में आपको पीछे सिर्फ दो पार्किंग सेंसर मिलता है तो ये एक चीज है। फॉग लाइट का पोजीशन यहाँ पे, रिफ्लेक्टर वगैरह का सारा यहाँ पे देके रखा है। जो आपको नेक्सॉन में दिख रहा था ना ये स्ट्राइप वाला ट्रीटमेंट, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे सफारी में भी अप्लाई किया गया है। सो ये काफी अच्छा। सो दिस इज द रियर लुक ऑफ द कार। वेल, पैनल गैप्स के बारे में बात करें तो है थोड़ा बहुत, ये आपको दिखेगा पैनल गैप यहाँ पे है, इस साइड भी आपको हल्का हल्का दिख जाता है। तो यस, टाटा को इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज जो है वो मैंने नोटिस किया, यहाँ पे ये टाइगर का लायन का फैमिली पूरा आ गया, तो ये एक नया चीज जो मैंने नोटिस किया। आई होप ये नया हो क्योंकि पहले वाले सफारी में मैंने देखा नहीं था। सो कार के अंदर जाके चेक करते कि नया क्या है इस इंटीरियर में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ये एक नया बेज ट्रीटमेंट मिल रहा है, कलर स्कीम मिल रहा है जो कि काफी अच्छा दिखता है। डोर में भी है, सॉफ्ट टच है, प्लास्टिक का क्वालिटी काफी ज्यादा हार्ड है, ग्रैब हैंडल, यहाँ पे सारे विंडो के कंट्रोल्स, ओवरविंड के कंट्रोल्स, तो ये सारा कुछ आपको पहले जैसा ही मिलता है। स्पीकर आपका यहाँ पे है, मेमोरी सीट्स तीन आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल रहा है, परफोरेटेड लेदर यहाँ पे आपको सीट के लिए ऑप्शन मिल रहा है। स्टीयरिंग व्हील इज ऑल न्यू, काफी अच्छा दिखता है। जो सबका पहले कंप्लेन था ना कि स्टीयरिंग व्हील मतलब थोड़ा चंकी दिखता है, तो इसको टाटा ने सुन लिया एंड काफी अच्छा यहाँ पे एक स्टीयरिंग व्हील दे रहा है टाटा। सो लेट्स स्टेप इनसाइड, डोर का थर्ड सुनते हैं एक बार। थर्ड इज रियली गुड, एक बड़ा सा टच स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल रहा है। डैशबोर्ड में आप फिनिशिंग देख रहे हो, काफी अच्छा है। यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स है आपको अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज कार में अभी चार्ज नहीं है, जितने भी कंट्रोल्स है ये सारे कंट्रोल्स आपको एसी के लिए मिलते हैं, तो ये सारे टच है, दिखता काफी अच्छा है। बट एक चीज जो है आपको मतलब रास्ते से आंख हटाकर आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जो एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ से आपको बोनेट दिखता है तो ये काफी अच्छा है। ऑटो डिमिंग ORVM, यहाँ पे ऊपर स्पीकर या माइक वगैरह का कुछ प्लेसमेंट देके रखा है, नहीं माइक का, यहाँ पे शायद आपको स्पीकर वगैरह कुछ देके रखा है, दिख तो वैसे ही रहा है। सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको कैबिन लाइट LED वगैरह में होंगे। गियर सिलेक्टर ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में अवेलेबल है। ये ड्राइव मोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड के लिए आपको यहाँ पे देके रखा है हिल डिसेंट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे मिलता है, काफी अच्छा है। इंटीरियर लुक्स रियली गुड, यहाँ पे आपको बेज एंड थोड़ा वुडन ट्रीटमेंट यूज किया है, ये आपको सॉफ्ट टच में दिख रहा है, ये आपका हार्ड प्लास्टिक है एंड अगेन यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच में मिलता है, काफी अच्छा है। आर्मरेस्ट यहाँ पे कूल्ड है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, USB Type-C, USB पोर्ट, कप होल्डर्स, लुक्स रियली गुड, बिग पैनोरामिक सनरूफ। ऑलराइट, ग्लव बॉक्स भी काफी बड़ा है, इट्स ह्यूमंगस। ऑलराइट, सो इट्स रियली गुड। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिलता है, सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है, तो ऑब्वियसली अगेन मैं बोल रहा हूँ गाड़ी में बैटरी नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। सो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है, सो इट्स अ रियली गुड कैबिन। पीछे चलते, पीछे आके देखते कि क्या नया है। सो आई एम हियर इन द मिडिल रो ऑफ द टाटा सफारी।
सबसे बेस्ट चीज जो मैंने नोटिस किया ये है इसका हेडरेस्ट, ये आप एडजस्ट कर सकते हो, इट्स द बेस्ट, काफी अच्छा है ये, मतलब काफी प्रीमियम एक फीचर देकर रखा है। सीट्स आर गुड, ऑलराइट लेट्स स्टेप इनसाइड। और हल्का सा आपको चढ़ के बैठना पड़ेगा। एसी वेंट्स आपके यहाँ पे नहीं है, एसी वेंट्स आपके यहाँ पे पिलर में है, इसको बंद करते हैं। डोर ट्रिम में वैसा कुछ नया नहीं है, आपको यहाँ पे सनशेड मिल रहा है, ऑलराइट तो ये काफी अच्छा है, इंडियन वेदर के हिसाब से काफी अच्छा रहने वाला है, काफी यूजफुल रहने वाला है। यहाँ पे आपको लैंप मिल रहा है, ग्रैब हैंडल विद अ हुक, ग्रैब हैंडल, स्पीकर्स, थोड़ा सा स्पेस है फोन रखने के लिए, एंड ये आपका ये जो सीट है इसको मूव करने के लिए, पीछे वाले पैसेंजर को अगर ये सीट मूव करना है तो यहां से पीछे वाला पैसेंजर मूव कर सकता है अपने हिसाब से, बट मुझे ऐसा फील होता है यहाँ पे इनफ स्पेस है तो वैसे कोई दिक्कत होने नहीं वाला है। यहाँ पे आपको सीट पॉकेट मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, काफी सारे कार्स में इसको अभी हटा दिया गया है कॉस्ट कटिंग की वजह से, बट टाटा अभी भी ऑफर कर रहा है, सो या इट्स गुड, काफी अच्छा है। जेबीएल का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिखेगा, इधर भी है, तो ये आप देख रहे हो ब्रांडिंग का एक चीज इसका यहाँ पे है, ऑलराइट नोटिस करना इसका यहाँ पे है, एंड इसका आप देखो, इसका देखो एंड इसका देखो, तो थोड़ा सा है यहाँ पे, ऑलराइट सो या दिस इज द सीट। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है विद टू कप होल्डर्स, तो ये काफी सही है, ऑलराइट हेडरूम इज गुड एनफ हेडरूम, ये नीरूम आप देख सकते हो काफी अच्छा है। तो पूरा रिव्यू आपको कुछ दिन बाद मिलेगा, ये जस्ट मैं एक ओवरऑल दिखा रहा हूँ कि इस कार में आपको क्या क्या मिलता है। एक बार थर्ड रो अपन यहीं से चेक कर लेते हैं, जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, एसी का ब्लोअर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ऑलराइट एंड एसी के वेंट्स यहाँ पे है, कप होल्डर विद यूएसबी टाइप सी एंड यूएसबी पोर्ट आपको मिल रहा है, फोन रखने के लिए जगह यहाँ पे है, ऑलराइट ऊपर लैंप है, सो या इट्स गुड। अब पूरे रिव्यू में आपको दिखेगा कि पीछे बैठकर कंफर्ट कैसा है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू अफ्स कराज।